सो हेलो एवरीवन, आइए अभी हम एक लिमिट का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन था कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो टेन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन, नीचे में था अपना डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब, ठीक है। तो देखिए, इसको हम कैसे कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, देखिए टेन एक्स को क्या हम साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख लें? हाँ लिख सकते हैं। माइनस ए हमारा क्या हो गया, साइन एक्स हो गया, डिवाइडेड बाय अपने पास एक्स क्यूब, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, क्या हम ऊपर से साइन एक्स कॉमन कर ले? कर सकते हैं। ये हमारा वन माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और ये कॉस एक्स हमारा नीचे आ गया, और नीचे में क्या अपने पास एक्स क्यूब ही है, ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे हम, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, यहाँ से एक्स क्यूब में से एक एक्स निकाल के आप इसको दे दीजिए, साइन एक्स बाई एक्स कर दीजिए बाहर ऐसे। अगर आप पढ़े हैं फॉर्मूला तो वन माइनस कॉस एक्स को लिख सकते हैं हम लोग टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है जी। ये अपने पास क्या हो रहा है जी, कॉस एक्स है। चलिए कॉस एक्स और कॉस एक्स छोड़ते हैं, नीचे में यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, क्यों? क्योंकि एक्स क्यूब था तो एक एक्स तो बाहर चला गया, अभी एक्स स्क्वायर बचा हुआ है, लेकिन मुझे चाहिए एक्स बाई टू। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स बाई टू का स्क्वायर ऐसे करूँगा तो इसके लिए क्या किया हमने, यहाँ पे एक्स्ट्रा फोर से डिवाइड कर दिया। इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, फोर से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो ज़रा ये देखिए, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो है ना, साइन एक्स बाई एक्स को तो आप चाहो तो वन लिख दो, तो इसको वन हटा देते हैं। ये हो गया अपने पास टू बाई फोर ऐसे, और यहाँ पे आपका बन रहा है साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी एक्स बाई टू का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं हम। एंड ये वन बाई कॉस है तो इसको भी पुट करके हमने जीरो कर दिया, क्योंकि कॉस जीरो का वैल्यू वन ही होगा। तो ये आ जाएगा अपने पास टू बाई फोर, और इसका भी वैल्यू वन होगा। पढ़े ना लिमिट कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स इज वन, तो वो एक्स जगह पे कुछ भी हो वो सब चलता है। तो इसका जो हमारा आंसर आएगा कितना आएगा, वन बाई टू। तो इस लिमिट का पहला क्वेश्चन का हमारा आंसर कितना आ रहा है, वन बाई टू आ रहा है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें और भी क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है कि इसका लिमिट निकालना है। तो ठीक है, फॉर्म जब अपने चेक कर लिया कौन सा फॉर्म बन रहा है, जीरो बाई जीरो का फॉर्म बन रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमको रेशनलाइज करना पड़ जाएगा। तो देखिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो वन प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, समझ रहे बात को। तो इसका हम रेशनल फैक्टर यहाँ पे आ जाएगा इसका वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर से हम ऊपर भी और नीचे भी करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो हो गया एक्स स्क्वायर, और यही फैक्टर नीचे भी लिखेंगे हम, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर प्लस रूट अंडर ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे हैं बात को। तो ये देखिए आपका आ रहा है यहाँ पे लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये हो रहा है देखिए वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ भी हो जाएगा होल डिवाइडेड बाई, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर रूट अंडर में, ये हो रहा है वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए कट गया, ए हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, तो ऊपर में क्या बचेगा देखिए, ये हो रहा है अपने पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ऊपर में बचेगा टू, और नीचे में भी अगर आप वैल्यू जीरो पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे बचेगा वन प्लस वन बचेगा ना, सिंपल, समझ रहे हैं। यहाँ लिमिट को हटा देते हैं, डायरेक्ट मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे आके एक्स स्क्वायर काटने के बाद। तो ये आपका वैल्यू आ गया टू बाई टू, जो कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका, वन। तो क्वेश्चन नंबर टू था इस लिमिट चैप्टर का, इसका आंसर हमारे पास। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं एक लिमिट का भी एक और भी प्ले लिस्ट होगा, ठीक है, तो इसको भी मैं उसी में ऐड कर दूंगा, इस वीडियो को भी। वहाँ पर भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं आप लोगों को लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का, कंटिन्यूटी का था आप एक्चुअली, बट लिमिट के ही क्वेश्चन उसमें, कंटिन्यूटी का भी क्वेश्चन हम किए नहीं है, वो करेंगे अभी। तो ठीक है ना, तो आप लोग, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप सबका काम है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मान के चलिए,
आप सबको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, आप लोग शेयर करिए भाई, है ना, वीडियो को हर जगह फैला दीजिए, आपको जितने भी फ्रेंड सर्कल है सबको बोलिए इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कराओ चैनल को, अपने स्कूल जहाँ भी आप पढ़ते हैं, आपके जो छोटे भाई कोई हैं ठीक है, तो वो सब भी इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 भी है इसमें भी, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए तो देखिए अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसके जैसा ना हम लोग एक डायरेक्ट फार्मूला भी पढ़े थे अगर आपको याद हो, इसमें था कि अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए है और एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए है, तो इसका अर्थ होता एन इंटू ए टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है, यह आता था इसका आंसर हमारा। तो कर लीजिए, तो दिस इज द लिख लेंगे, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, ये कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म का है, दिस इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू पावर ए, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, इसका वैल्यू हो जाता है एन इन टू ए टू द पावर एन माइनस वन, यानी कि बताइए इसका क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा एन इन टू थ्री टू द पावर एन माइनस वन, तो यही हमारा इसका आंसर आ जाएगा। सो सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका हम लोग। तो देखिए अभी हम इस क्वेश्चन को करेंगे, यहाँ पे मॉड है ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन है ना, ये मॉड ऑफ ये हो जाएगा अपने पास एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन का मॉड वैल्यू, ठीक है जी, ये सो कर सकते हैं हम कैंसिल। तो अब क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन का मॉडुलस, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए एक्स टेंडिंग टू वन करेंगे आप यहाँ पे, ठीक है ना, तो एक्स टेंडिंग टू जब वन करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, ये वैल्यू हमारा टू आ जाएगा, इसका जो लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा अपने पास टू, समझ में आ रहा है, वन प्लस वन कितना हो जाएगा टू, ठीक है। तो ये सब डायरेक्ट दो दो लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो हाँ अभी देखिए, अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है हम लोगों को कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, ठीक है, साइन एक्स माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, कौन सा फॉर्म है, जीरो बाई जीरो का फॉर्म है, तो वी कैन अप्लाई द एलएच रूल, एलएच रूल पता है आपको, अगर जीरो बाई जीरो फॉर्म हो या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म हो तो आप न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर को आप इंडिविजुअली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो टिल कि वो इनडिटर्मिनेंसी ना हट जाए। तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो, ऊपर में साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा जी, कॉस एक्स, और साइन ए का क्या हो जाएगा ज़ीरो, अपॉन कॉस का कितना हो जाएगा जी, तो हो जाएगा अपना वन, एक्स का वन ए का ज़ीरो, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका सिंपल सा, तो इसका आंसर आ जाएगा कॉस ज़ीरो दैट इज़ वन, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा वन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कितना आ रहा है, वन, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो हाँ इस क्वेश्चन को देखिए, अभी इस क्वेश्चन में क्या दिया गया हम लोगों को कि लिमिट निकालना है वाई टेंस टू थीटा के ऊपर, वाई इंटू कॉस थीटा माइनस थीटा कॉस वाई डिवाइडेड बाई वाई माइनस थीटा, अगर हम रख के चेक करें तो हो जाएगा आपका थीटा कॉस थीटा और ये भी थीटा कॉस थीटा, तो कौन सा फॉर्म हो गया, जीरो बाई जीरो फॉर्म, कौन सा फॉर्म हो गया, जीरो बाई जीरो फॉर्म। तो अगर जीरो बाई जीरो फॉर्म तो क्या करोगे आप, एल एच रूल अप्लाई करोगे, है ना, एल एच रूल्स। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, लिमिट वाई टेंडिंग टू थीटा, है ना, हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे, वेरिएबल क्या है, दिस इज वाई, तो इसको अगर आप वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे वन हो जाएगा, एंड कॉस थीटा कॉन्स्टेंट है तो कॉस थीटा बचेगा, माइनस यहाँ पे देखिए थीटा तो ठीक है,
यह है कॉस, तो कॉस वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन वाई, माइनस में होता है तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास साइन ऑफ वाई डिवाइडेड बाई, नीचे में देखिए इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका वन और इसका हो जाएगा जीरो, तो वन माइनस जीरो। तो अब देखिए अगर मैं अब लिमिट पुट करके देखूँ तो क्या इनडिटर्मिनेंसी हट चुका है, बिल्कुल हट चुका है। अगर मैं वाई को थीटा पुट करूँगा तो ये हो गया हमारे पास कॉस थीटा प्लस थीटा इंटू साइन वाई, समझ रहे हैं बात को। तो अगर आप पुट भी करते हो तो ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हेयर, ठीक है, LH रूल से। सो होपफुली कि आप लोग को ये सब वीडियो समझ में आया होगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग ज़रूर से वीडियो में शेयर करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं हर जगह पे, आप लोग शेयर करिए हर जगह पे, वीडियो को शेयर करिए, एकदम फैला दीजिए। व्हाट्सएप आपका है, अगर आपका फेसबुक प्रोफाइल है फेसबुक पे डालिए, अपने दोस्त को बताइए इस चैनल के बारे में। मॉड मैथ जो चैनल है ये हम सबका चैनल है और इसमें हम सबका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। जिस दिन एक दिन एक चैनल यूट्यूब पर छाएगा और जिस दिन चैनल यूट्यूब पर छाएगा उस दिन हम सबको गर्व होगा कि हाँ स्टार्टिंग में हमने इस चैनल को सपोर्ट किया था। तो आपको वो काम अभी करना है, ठीक है, पूरा फैलाइए वीडियो को, जितना ज़्यादा से ज़्यादा फैला सकते हैं, जितने भी फ्रेंड सर्कल्स हैं आपको सबको बोलिए, आप खुद करिए, उनको भी बोलिए कि वो भी हर जगह पर शेयर करें और वो भी आगे वाले को बोलेंगे, एक पूरा चेन क्रिएट करेंगे। और इसको वीडियो तो मैं बनाता ही रहूँगा, वीडियो मैं बनाता ही रहूँगा, चाहे जैसे भी हो वीडियो मैं इस चैनल पर डालूँगा ही डालूँगा, बस आप लोग का प्यार चाहिए, आप लोग का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।